आज हमारा लेक्चर गूगल के बाकी ऑपरेटर्स के ऊपर है, ठीक है। पहले पांच जो हमने कल पढ़े उनके बाद नेक्स्ट फ्यू कुछ पढ़ेंगे आज, जो कई सारे जगहों पे काम आते हैं, ठीक है, जिनका मोस्ट कॉमनली यूज होता है। जिनमें सबसे पहले है ऑल इन टाइटल, ठीक है। ऑल इन टाइटल देखिए, ऑल इन टाइटल ऑपरेटर जहां से बात है, ऑपरेटर को कोई ऑपरेट करने वाली चीज दीजिएगा तो ऑपरेट करेगा ना, अकेला कैसे काम करेगा। अब हमें जैसे कि इसके आप देख लें कि वर्ड से हमें वादे हो रहे हैं, ऑल इन टाइटल, टाइटल में जो भी चीज होगी वो ये निकाल के देगा, हमें टाइटल में जो भी चीज चाहिए वो निकाल के देगा, ठीक है। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, इन यूआरएल, यूआरएल में जो भी चीज होगी वो निकाल के देगा, ठीक है। तो वेबसाइट पे फॉर एग्जाम्पल आप कोई ब्लॉग राइट करते हैं तो उसमें टाइटल देते हैं, तो टाइटल बहुत जरूरी है, टाइटल ही आपकी थीम को वादे करता है कि आप आपका थीम क्या है, ठीक है, आपका मौजू क्या है, टाइटल ही ये बात करता है। अगर हमें कोई भी चीज़ टाइटल में चाहिए तो हम उसे क्या करेंगे, जस्ट ऑल इन टाइटल ऑपरेटर का भी लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, एफिलिएट मार्केटिंग, ठीक है। आप देखेंगे हमारे पास एफिलिएट मार्केटिंग हर बार आपको टाइटल के अंदर नजर आएगा, ठीक है। आप देखेंगे ब्लॉग्स भी आ रहे हैं, ब्लॉग्स भी आ रहे हैं काफी सारे, क्योंकि एफिलिएट मार्केटिंग एक ऐसी टर्म है जो बहुत सारे लोग सीखना पसंद करते हैं। मार्केटिंग एक ऐसी चीज़ है जो ऑब्वियसली दुनिया में कभी ना ख़त्म होने वाली चीज़ है, जब तक बिजनेसेस हैं दुनिया में मार्केटिंग भी है, और जिस बंदे को मार्केटिंग करनी आती है वो बंदा कभी भी आई डोंट थिंक सो कि क्या रह सकता है, ठीक है, क्योंकि हर बिजनेस को मार्केटिंग की ज़रूरत होती है। सो मार्केटिंग के ऊपर बहुत सारे लोगों ने, बड़े बड़े जो मतलब राइटर्स हैं उन्होंने ब्लॉग्स लिखे हुए हैं ताकि आप उन्हें सीख सकें। एनीवेज कोई और किसी के पास एग्जांपल जो हम टाइटल में चाहते हैं, हमारे मार्केटिंग जॉब्स, मार्केटिंग जॉब्स इन पाकिस्तान, ठीक है, मार्केटिंग जॉब्स इन लाहौर, बिकॉज हमारे करंट रीजन को सिलेक्ट किया हुआ गूगल ने, सो हमें पाकिस्तान से रिलेटेड रिजल्ट दे रहा है। 145 मार्केटिंग जॉब्स ऑन लिंक्डइन, ठीक है, indeed.com.pk पे, ठीक है, रावलपिंडी में, इंटरनेशनल ऑनलाइन मार्केटिंग। आप देखिए कि मार्केटिंग से रिलेटेड अब ये आपके लिए आसान हो गया, आपको जॉब ढूंढनी है अपने लिए, आप ऑल इन टाइटल में लिखें मार्केटिंग जॉब्स एंड ऑपरेटर, आपको जहां पे चाहिए, आपको भागलपुर में जॉब्स चाहिए, मार्केटिंग से लिखो तो आपका वो वेबसाइट्स मिल जाएगी जहां पे मार्केटिंग से रिलेटेड जॉब्स भागलपुर के अंदर हैं, ठीक है। सो दैट्स सो मच इजी, किसी को कुछ ना समझ आएगा। राउत भाई आपको समझ आएगा, हम तीनों ऑपरेटर इकट्ठे भी यूज कर सकते हैं,
कर सकते हैं, ऑल डेटा मिलिंग। आप उन्होंने देखा कुछ तीन ऑपरेटर यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इंटाइटल आ रहा है, पहले ऑल इंटाइटल था, अब इंटाइटल आ रहा है। ऑल इंटाइटल मोस्टली ऐसे यूज होता है कि आप एक वेबसाइट के लिए यूज करते हैं, ठीक है। अगर आपने ज्यादा ऑपरेटर यूज कर लिया तो फिर आप एक वेबसाइट को प्रेफर करोगे इसके लिए। अगर आपने ज्यादा ऑपरेटर यूज करने तो आप इन टाइटल करो, ठीक है, ताकि सारे लिंक्स के लिए, सारे टाइटल्स के लिए जो है वो रिजल्ट प्रॉपर निकले। आप देखेंगे इन यूआरएल भी यूज किया हमने, और इन यूआरएल में हमने लगाया कॉन्टैक्ट, तो हमारे पास कॉन्टैक्ट के पेज निकल रहे हैं। इन यूआरएल में कॉन्टैक्ट के पेज निकल रहे हैं, समझ गए, इन यूआरएल में कॉन्टैक्ट के पेज निकल रहे हैं, समझ गए। तो तीनों ऑपरेटर हमने इकट्ठे भी यूज कर लिया। अच्छा, एक चीज और करने वाली है जो आप लोगों ने कल में भी ना वो की हो, ऑपरेटर के बाद जो ऑपरेटर है कंप्लीट, मैं इसे थोड़ा और बड़ा कर लूँगा, कोलोन आ रही है, कोलोन आ रहा है, कोलोन के बाद स्पेस नहीं है, ठीक है, स्पेस नहीं होगा तो ऑपरेट करेगा प्रॉपरली। आप लोगों ने इसी पे फोकस करना है, ये ना हो कि आप लोग ऑपरेटर लगाएं उसके बाद स्पेस डालें और फिर आप लोग जो है वो सर्च करें, ये गलत हो जाए, समझ गए। इन टाइटल हो गया, किसी को भी कंफ्यूजन, इन टाइटल हैप्पी। आगे आते हैं रिलेटेड ऑपरेटर की तरफ, ये बहुत ही फायदेमंद ऑपरेटर है अगर आपको यूज पड़े कभी जिंदगी में। मैं चाहता हूँ मुझे रिलेटेड वेबसाइट चाहिए, एक वेबसाइट से रिलेटेड, मुझे एक वेबसाइट का नाम तो पता है कि यार ये वेबसाइट इस चीज की, ठीक है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि इसकी जैसी और भी वेबसाइट्स हैं, समझ गए। समरान, आपके पास प्रोफेशन से रिलेटेड मैं एग्जांपल देता हूँ, इसकी वेबसाइट का पूरा डोमेन पता है org.com अच्छा, क्रैकलिस्ट एक बहुत बड़ी वेबसाइट है, एड पोस्टिंग वेबसाइट है जो अमेरिका में वर्क करती है मोस्टली, उसके अलावा बहुत सारे रीजन में वर्क करती है, कनाडा में, यूरोप में, इवन अब तो पाकिस्तान में भी वर्क करती है, और भी बहुत सारे रीजन में जाकर वर्क करती है। तो आप देखेंगे जैसे ही मैंने एक ये एक क्लासिफाइड एड पोस्टिंग वेबसाइट को रिलेटेड के आगे लिखा है, ठीक है, उससे साथ ही मुझे डिफरेंट एड पोस्टिंग वेबसाइट समझा दी, जैसे ये आ गया आपके पास mostly.com क्लासिफाइड एड्स, ठीक है, मैप क्विज, मे बी ये मैटर नहीं करती, मे बी ये मैटर करती है, मैटर इस तरह करती है क्योंकि इसके ऊपर जो आप भी गिग्स डालते हैं लेकिन डिफरेंट किस्म की, ठीक है, क्लैक बोर्ड ओ आर सी। तो आप देखेंगे ये सारी वेबसाइट जितनी भी आ रही हैं वो अलग, आप इससे काफ़ी ज़्यादा वाकिफ़ हैं पाकिस्तान में, क्योंकि ये एड पोस्टिंग की वेबसाइट सबसे ज़्यादा मशहूर हो चुकी है, तो इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपको रिलेटेड ऑपरेटर का क्या फ़ायदा है, ठीक है। आपको पता है कि मैं फेसबुक यूज़ करता हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि फेसबुक के अलावा और कौन कौन से अच्छे सोशल मीडिया वेबसाइट्स हैं, आप वो निकाल सकते हैं,
LinkedIn, Twitter, Pinterest, MySpace, Flickr, StumbleUpon, so on. ठीक है, ये रिलेटेड का सबसे बड़ा फायदा. समटाइम ऐसा प्रोजेक्ट आ जाता है, क्लाइंट एक वेबसाइट प्रोवाइड करता है या क्लाइंट एक विषय प्रोवाइड करता है. क्लाइंट एक विषय प्रोवाइड करता है कि फला मुझे इंडस्ट्री में जो है वो कंपनीज चाहिए. अगर आपके पास एक अच्छी कंपनी निकला दिया, आप उसके आगे रिलेटेड ऑपरेटर लगाओ, ठीक है, और उससे रिलेटेड कंपनीज भी निकाल सकते, समझ गए. यहाँ तक किसी कंफ्यूजन रिलेटेड के बारे में. उसके बाद आता है इन, बहुत ही छोटा सा ऑपरेटर है और बहुत ही फंक्शन है. इन इन एक ऐसा ऑपरेटर है कि गूगल आपके लिए कैलकुलेटर बन जाता है. जिसमें आपके पास डिफरेंट किस्म की कन्वर्जन आ जाती हैं. फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ, मीटर्स इन माइल. ठीक है, आप देखेंगे 1 माइल इज इक्वल टू 1609.34 मीटर, सेंटीमीटर्स ठीक है, आपके लिए एक कैलकुलेटर बन गया. अच्छा, इससे रिलेटेड मैं आपको एक और चीज बता दूं. सम टाइम आपके पास ऐसा प्रोजेक्ट आ जाता है जिसमें एक क्लाइंट कहता है कि मुझे न्यूयॉर्क के 100 माइल्स के रेडियस में जितने शहर आते हैं, जितने छोटे छोटे पब्स आते हैं या इलाके आते हैं, मुझे उनमें भी जो बिजनेस हैं वो भी चाहिए. न्यूयॉर्क में तो चाहिए ही चाहिए वो बिजनेस, लेकिन न्यूयॉर्क के 100 माइल्स के रेडियस के अंदर जो उससे ही रेलिवेंट बिजनेस आते हैं, जो उसे रिक्वायर है, मुझे वो भी चाहिए. तो आप क्या करोगे, ये वेबसाइट है जो आपको निकाल के दे दी है डिस्टेंसेस, ठीक है, इसमें कंप्लीट डिटेल होगी. ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स आएंगी जो आपको निकाल के देंगे, लेकिन ऐसी वेबसाइट्स भी आएंगी जो कैलकुलेट नहीं होंगी. आप उनमें जस्ट एक डिस्टेंस पुट करके आप उनमें से मतलब नियर अबाउट सिटीज निकाल सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल ये देखें, इस वेबसाइट में आपके पास डिफरेंट मतलब आगे कीवर्ड्स हैं जो आप सेट कर सकते हैं. इसमें आपके पास ऑन कैलकुलेशन से लेकर ड्राइविंग टाइम, ड्राइविंग डिस्टेंस, फ्लाइट टाइम, फ्लाइट डिस्टेंस, सो ऑन, काफ़ी सारी चीज़ें, ठीक है, लेटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड बहुत सारे लोगों को नहीं निकालने आते. अच्छा, ये देखिए, सिटीज एट अ रेडियस, हमारे गांव की चीज. मैं कहता हूँ मुझे न्यूयॉर्क से 100 माइल्स के रेडियस में सिटीज चाहिए, मैं इसे कैलकुलेट करूँगा और मेरे पास सिटीज आ जाएंगी. बहुत ही एडवांस सर्च है, लोगों को नहीं पता, यहाँ तक भी सर्च हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल आपको आज से पहले अभी तक भी मे बी आप लोगों को नहीं पता होगा कि भावलपुर से, क्योंकि आप लोग यहाँ रहते हैं तो आप लोगों को पता होगा, या लाहौर में आपको पता होगा कि जी अगर आप रहते हैं कि
हंड्रेड माइल्स के रेडियस पे कौन कौन से इलाके आते हैं, लेकिन अगर आप किसी ऐसे इलाके के बारे में सर्च करते हैं जो जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है, तो वहाँ से यकीन मतलब आपको बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर आप मैप खोलेंगे, ठीक है, मैप निकालेंगे, फिर आप उसमें देखेंगे जी 100 माइल्स का रेडियस मैयर अप करना बहुत मुश्किल होता है मैप के अंदर भी। तो ये बहुत बड़ी कैलकुलेशन है जो आपको इजीली अवेलेबल है, सिटी इज विद इन 100 माइल्स ऑफ न्यू यॉर्क, ये सारे वो इलाके आ गए हैं जो 100 माइल्स के रेडियस के अंदर, समझ गए। करेंसीज के लिए मोस्टली यूज होता है टू, जैसे पी के आर टू टू ऑपरेटर, ठीक है, यूएसडी आपके पास एक पूरा कैलकुलेटर निकलेगा करेंसीज के लिए, इसी तरह आप पी के आर टू बिटकॉइन, बिटकॉइन को किस चीज को बताए, बिटकॉइन को किस चीज को बताए, बिटकॉइन का किस किस को पता है भाई, सिर्फ एक बंदे को पता है, नाम सुना होगा। बिटकॉइन दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी है, अगर आप इसको यूएस डॉलर में निकालेंगे, अभी तो पाकिस्तान में निकाला है, पाकिस्तान में तो ये इसकी वैल्यू, पाकिस्तान की कोई वैल्यू नहीं है पाकिस्तानी करेंसी की इसके मुकाबले में, अगर आप यूएसडी टू बिटकॉइन या आप कर लें बिटकॉइन यूएसडी, जैसे आप सर्च करवाना चाहते हैं, जैसे आप लोगों को जरूरत है सर्च करवाने की। यहाँ पे आप लोगों को एक चीज और इजीली समझ सकते हैं आप लोग, 8050 यूएस डॉलर का बिटकॉइन है, यानी एक बिटकॉइन या आप कह सकते हैं एक बिटकॉइन का सिक्का 8050 डॉलर का है, और 8050 डॉलर पाकिस्तान में तकरीबन 9 लाख रुपए मिलता है, और पिछले दिनों इसका रेट 19 लाख रुपए तक चला गया था तकरीबन, ठीक है। ये इसका ग्राफ भी आ रहा है साइड पे, जहाँ पे आप ग्राफ पे क्लिक करके मैं चेक भी कर सकते हैं। एनीवेज ये हमारी जरूरत नहीं है। इसके बाद आता है मैप, मैप ऑपरेटर का ये फायदा है आप किसी भी इलाके का आप चाहते हैं कि मैप भी निकले, मैं सर्च करवाता हूँ इलाका, मैं न्यूयॉर्क लिखता हूँ तो न्यूयॉर्क का मैप भी निकले, तो न्यूयॉर्क का मैप भी निकले, ठीक है। आपको स्पेशल जाके मैप खोलने की जरूरत नहीं है, मैप निकला है किसी भी इलाके, आप कहते हैं मुझे लाहौर का मैप चाहिए, पावर का मैप निकलेगा, आपको चाहिए पावर का मैप, ठीक है। आपको दुनिया में कोई भी मैप चाहिए, कोई लोकेशन, एनीवेज आपको कोई भी मैप चाहिए मैप निकलेगा। इसी तरह वेदर है, आप लोग सर्च करवाते हैं मतलब स्पेशल लिखना पड़ता है, जस्ट इसके आगे भागलपुर लिखेंगे, ठीक है। ह्यूमिडिटी आपके पास ये है, विंड स्पीड 14 किलोमीटर पर आवर है, ये सब कुछ समझ गए। तो ये थे आज के गूगल ऑपरेटर्स, जिनमें हमने पढ़ा सबसे पहले ऑल इन टाइटल, ऑल इन टाइटल, टाइटल में कोई भी चीज चाहिए तो हम ऑल इन टाइटल यूज करेंगे, ठीक है। जुनैद मुक्तादी, टाइटल में आ रहे हैं, ठीक है। नेटिव ऑपरेटर लगाएंगे, रिलेटेड वेबसाइट्स निकाल सकते हैं जैसे कि facebook.com के लिए, ठीक है।
जैसे कि कोई भी वेबसाइट के लिए जो जो जानी पहचानी है, जो जिसका कोई नाम है, यानी कि हमें ठक्कर से अक्सर उठा के उसके लिटर लगाना शुरू होगा, उसका क्या निकलेगा? जिसके की निशा ही नहीं है, जिस वेबसाइट की इंडस्ट्री नहीं है, ठीक है? जैसे मैं आपको दिखाता हूँ जिलो डॉट कॉम, जिलो एक रियल एस्टेट की बहुत बड़ी वेबसाइट है यूएस में। तो आप जिलो लगाते हो, जिलो में चूलिया, पॉडपैड, मैक्स, गूगल बैंकर, रियलिटी। देखो कि आपको सर्च करवाने की जरूरत नहीं है, टेंशन में पड़ो आप रियल एस्टेट की कौन कौन सी वेबसाइट है। आप वो पाकिस्तान में चाहिए, आप देखो जमीन डॉट पी के, जमीन डॉट कॉम है, जमीन डॉट पी के, जमीन डॉट कॉम, होम पाकिस्तान डॉट कॉम, ओ एल एक्स भी ऐड लगता होगा यकीन, रियल एस्टेट का पाक रियल एस्टेट, रोजी डॉट पी के भी लगता होगा, ठीक है? बायर पाकिस्तान रियल एस्टेट डॉट नेट, स्टॉन डॉट कॉम, रियल प्रॉपर्टी डॉट पी के, समझिए। तो ये इतना बड़ा फायदा, इन इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है, किसी भी चीज़ में। स्पीड ऑफ लाइट इन आवर 10 किलोमीटर पर सेकेंड, नहीं नियर, इन वाटर, इन मीटर पर सेकेंड क्लास, इन वैक्यूम, इन माइल्स पर सेकेंड, इन एमएचपी, एमएचपी क्या होती है? माइल्स पर आवर, इन स्पेस, इन मैटर, आप इनमें से कोई भी निकाल सकते, ठीक है? तो इनके बहुत सारे फायदे हैं, जैसे आप देखिए मैप में आप मैप निकाल सकते हैं किसी भी जगह का, और वेदर में वेदर निकाल सकते हैं। गूगल ऑपरेटर्स के बारे में किसी को कोई क्वेश्चन? तमाम गूगल ऑपरेटर्स के बारे में, ऑल इन एंकर हमने कल पढ़ा था, ऑल इन एंकर, ऑल इन एंकर यूज होता है टॉप चीजों को निकालने के लिए, वर्ल्ड टॉप चीजों को या टॉप चीजों को जो आपके अंदर टॉप है इनको निकालने के लिए होता है। देखिए बेस्ट म्यूजियम सिडनी, तो बेस्ट म्यूजियम निकला है सिडनी के, ठीक है? तो बेस्ट चीजों को निकालने के लिए, टॉप चीजों को निकालने के लिए ऑल इन। किसी का और कोई क्वेश्चन किसी भी ऑपरेटर के बारे में? कितने ऑपरेटर्स पढ़ चुके हैं अभी तक हम? 10 ऑपरेटर्स में किसी क्वेश्चन? आखिरी बार पूछो। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, लेक्चर इज ओवर।